फ्रेश प्रोटीन से भरा हुआ, पत्ती और शक्कर खा लो, यानी चाय पेट में रेडी। हाँ, ये इनका तरीका है। चाय के तो पैसे दे दो, चाय के पैसे दो, दोनों चाय के पैसे। मैं गरीब हूँ, मैं भी गरीब। तो हमारी जिंदगी कुछ हसीन पलों में से ये जगह भी है, ठीक है। जब मैंने हैदराबाद की सीरीज डाली थी, हैदराबाद का जब मैंने ब्लॉग डाले थे और उसके जब पूरे पार्ट्स थे, तब मैंने बताया था कि मैं मेरे दो कज़न भाई है जो बड़े पापा के लड़के, उनके साथ में आया था करके। और उन जगहों में से मतलब मेरी स्पेशल जगह जहाँ पर मैंने मतलब वॉकिंग की स्टार्टिंग किया, जहाँ पर मैंने माउंटेन्स वगैरह जो चीज़ें मैंने दिखाई थी, जहाँ पर मैंने चीज़ों की बातें की थी, उस जगह पर मैं वापस से खड़ा हूँ आज, क्योंकि ये हमारी दूसरी सीरीज होने वाली हैदराबाद, ठीक है। पहले भी जा चुके हैं और इस बार भी, लेकिन पहले भी मतलब इसके पहले जब कहीं तुमने एक्सप्लोर नहीं किया था, इस बार मेरे हिसाब से मतलब ऐसा लगता है कि कम से कम मैंने 30-40% एक्सप्लोर किया। और ये जगह के ऊपर मैं आपको जो फोटोशूट्स बहुत सारे बताऊँगी मैंने, जैसे मैंने ब्लॉग में भी डाला था, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे है, इसके ऊपर मतलब फोटोशूट्स किए इस लोकेशन के ऊपर मैं, और यहाँ पर मैं आगे भी किया था, बाकी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ये सब चीज़ें, इस जगह को देखने के बाद। और बाकी ये ब्रिज भी बहुत लंबा है। और बाकी मैं कुछ फोटो शूट करूंगा, अभी और वो भी देखने आऊँगा, तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, स्टोरी सब कुछ ऑल टू ऑल अपडेट आपको मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से यहाँ देखिए मेरा अंदाज़ा ये ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा, लेकिन फिर भी ये ब्लॉग जो है थोड़ा लेट आएगा। और इधर मुझे ये लाइटिंग चालू हो चुकी है पीछे, यहाँ देखिए मेरा अंदाज़ा इधर आ जाए। और जहाँ देखिए मेरा अंदाज़ा है ये जो ब्लॉग है ना ये थोड़ा लेट आएगा, तो जैसे नया अपडेट है, मैं कोई नया ट्रैवलिंग के लिए गया हूँ या मैं कोई नई चीज़ में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नई चीज़ कर रहा हूँ, तो उसको अगर से आपको देखना है वो जानना है, तो आपको आना पड़ेगा आपके भाई के फरहान शेख के इंस्टाग्राम पे, जो है सुकून कोई नाम से, और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा मैं सब कुछ और थे। और बाकी इस का मजा लेते हैं, इन्जॉय करते हैं, और बाकी तो आगे में चाय के लिए भी एक ब्रेक होने वाला है, तो कंटिन्यू करती इस चीज़ को, तब तक मैं इन्जॉय करती हूँ कुछ फोटोज। It was not easy from the start. और इसी के साथ में हमारा यहाँ का ब्रेक खत्म होता है। यहाँ पर मैं एक ब्रेक लिए थे मंचरियाल में, और यहाँ पर मैंने लिया ओरियो शेक और दोनों ने लिए कुल्लड़ चाय। मतलब बहुत देर हो गई थी, कम से कम वहाँ से जब खाना खा के निकले हम, तो 100 किलोमीटर बाद में पहला ब्रेक हुआ। और बाकी रील्स वगैरह शूट कर रहे में बहुत टाइम हो गया, तो घर से कॉल आ रही थी कि कितना टाइम में क्या है, तो अब जल्दी से जल्दी जो है घर की तरफ में निकल रहे, और बीच में भी कई स्टॉप नहीं होने वाला है ये हमारा। और इसी के साथ में हमारा दूसरा ब्रेक चाय का, और चाय कहाँ है तो चाय यहाँ है, देखो चाय दे, चाय यहाँ है, आ जाओ सर, अच्छी है क्या पी के देखा तो वेटर कैसे क्यों कर रहा, तुमने पी के देखा क्या, ये वेटर नहीं है, ये जो हमारे साथ का बंदा वही है, विक्रांत क्या बोलते क्या चल रहा है, अच्छे बकरी वाली चाहिए भी एक, हमको यहाँ पर चाय का ये है कि बकरी चाय मिल रही है, मतलब बकरी का दूध अच्छा रहता है लेकिन ये चाय बेकार मिल रही है, उतनी अच्छी नहीं है, मतलब उतनी खास नहीं है, लेकिन है पी सकता हूँ मैं, तो मैं जल्दी से इसको पी के ख़त्म करता हूँ, बस हो गया। यही मेरे को बताना था कि मैं चाय का स्टॉप ले रहा हूँ करके,
बस ये चाय पीता हूँ और फिर मिलता हूँ मैं, नहीं तो चाय गिर जाएंगी। देखो चाय से पकड़ के रखो, मैंने चाय गिर जाएंगी। पीता हूँ और यहाँ आपके फरांशे के रिपोर्टिंग में गलती, चाय जो है वो पंचर नहीं है, चाय बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी गलती ये बंदे की वजह से है, इसने बताया कि चाय अच्छी नहीं है। मैंने टेस्ट करने के पहले मैंने चाय की टेस्ट नहीं किया था, ऐसा नहीं है चाय का टेस्ट ऐसा नहीं है। देखो ये कितना भी बोल ले, हम दो जनों के वोट ऐसे बता रहा ना, हम दो जनों के वोट ऐसे है विक्रांत का और मेरा, कि ये बंदे के जो मुंह का टेस्ट है, ठीक है, ये लड़की के मुंह का टेस्ट फूटते रहता, चेंज होते रहता, हमारा चेंज नहीं होते रहता, इसका फ्यूज चेंज होते रहता है। लाइन क्यों चली गई, लाइन चली गई थी गाड़ी की, अब चालू हो गई। बिल नहीं भर रहे थे ना। इसका जो ये है ना टेस्ट, मुंह का उड़ते रहता है, मानेगा नहीं मानेगा, सच बोल, इसके मुंह का टेस्ट उड़ते रहता है। हाँ, सिर्फ चाय में एक भी कमी है, कमी मतलब ज्यादा है। कमी यानी ये जो है, बता, ये जो ग्लास है ना, ये वाला यूज एंड थ्रो, तो इसमें जो स्टार्टिंग है ना, वो चाय में थोड़ा सा अलग ही लगता है टेस्ट। हमको पानी पानी इसमें ऊपर आ जाता, वो पानी मेरे मुंह में आ गया डायरेक्ट, और जो मेन मटेरियल था वो यानी दूध और अदरक वगैरह, वो पूरा नीचे बैठ गया था। कभी भी तो जब ऐसे ट्रैश करने का था कि रीयूज ना होकर, और जब मैंने यानी दो तीन सिप पिया उसमें से, फिर उसके बाद में टेस्ट मेरे को पता चला कि नहीं बेटर टेस्ट है। देखो ऐसा है कि मैं अंग्रेज नहीं हूँ, पहली बार सीधी भाषा में जब मैंने चाय के दो घुट मारा तो मेरे को ऐसा लगा कि चाय जो है वो बहुत अच्छी है, और मेरे को अच्छी लगी। बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, जो हमने चाय पी उसमें से बहुत सारी चाय मतलब बेकार भी थी, एकदम पतला पानी दूध। और मैं एक चीज़ के बारे में जो है मतलब मेरी तरफ से एक रिपोर्ट है, जब भी अगर से जाऊँगे आंध्रा साइड में तो एक दूध आता है, क्या नाम बताए थे उसका तुमने, क्या पैकेट था, NSR, वो दूध का पैकेट इतना घटिया है, इतना लो क्वालिटी का है, पानी पाउडर वाला दूध है, उसका टेस्ट जो है बड़ा बेकार लगता है, कसम से बता रहा हूँ, बड़ा बेकार, मत करो, बड़े बेहुदा लग रहे हो, समझे, इतना बेकार टेस्ट है। अब बात ऐसी नहीं है कि हम दिनशा में थोड़े से जुड़े हुए तो हम दिनशा का प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन की बात नहीं, दिनशा का नाम हमने लिए नहीं, खुद ले रहा है बंदा अभी, ठीक है, हम लिए क्या, मैंने नाम लिया क्या, नहीं, लेकिन जवाब मांगते हैं, जवाब है, मैंने नाम लिया, टेस्ट इन दोनों से पूछ लो, यानी हमारे घर पे भी कुछ मालूम नहीं होता, पहली बात ये बंदे को टेस्ट मालूम नहीं है। दिनशा का जो है मैं तुमको बता रहा हूँ, दिनशा का जो है हाई क्वालिटी के भी दूध आते हैं, हाई क्वालिटी का दूध लो पियो, और अब ऐसा नहीं लगता है तो सवेरे सवेरे उठने का, खेतों में जाने का, बैल और जानवर पर गाय वगैरह दिखती है, खेतों में नहीं रहते, घरों खेत में भी रहते, तबेलों में भी रहते, तबेले में जाने का, सीधा सीधा ताजा दूध पी लेने का, एकदम फ्रेश, प्रोटीन से भरा हुआ, पत्ती और शक्कर खा लो, यानी चाय पेट में रेडी। हाँ, ये इनका तरीका है, ये इनके पगले तरीके है, समझे, ये सब हरकतें ये करते, खुद ने नहीं करा। इसने चाय पीने का बोला क्या, इसने सिर्फ क्या बोला, दूध पीने के बारे में। तो अगर किसी की इच्छा चाय पीने की होगी, तुम करके दिखाना पहले ब्लॉग में, शक्कर और पत्ती खाओ, है कि नहीं रे, जब ये बंदे ने मेरे से आर्गुमेंट चालू ही कर दिया, तुम पहले करके दिखाना मेरे को, ठीक है, बाद में वो लोग अपन दिखाते। और ये पानी जो है साहिल खान उसको प्रमोट कर रहे हैं, मतलब उनका खुद का पूरा सब कुछ सिस्टम ब्रांडिंग है, उनकी ब्रांडिंग है। और बाकी जिम विम तो अपन करते हैं, चाय के पर्स से पैसे दो, देखो देखो ये गरीब पहले आ गए, ठीक है, ये गरीब पहले आ गए यहाँ पर पैसे मांगने, बोलो चाय के तो पैसे दे दो, दो चाय के पैसे, तो दो ना चाय के पैसे, मैं गरीब हूँ, मैं भी गरीब हूँ, चलते बाबा गाड़ी चालू, हम गाड़ी चालू करो, चलते हैं, बस हो गया, हम गरीब हैं, चच्चा डंडा लेके दौड़ रहे बोले पीछे। तो अभी जो है बहुत हंसी मजाक हो गया, आगे की तरफ में चलते हैं, अभी और एक मैंने पहले बोलता स्टॉप नहीं होगा लेकिन हो गया, आगे की तरफ में चलते, हाथ बहुत चल रहा है सीट पर रखने की वजह से। अभी सिर्फ एक ही ब्रेक होगा और वो होगा थोड़ा सा प्राइवेट ब्रेक होगा, सुसु का, सुसु का, तो लेने लास्ट सुसु बॉय, उसके बाद में महाराष्ट्र बॉर्डर बदनाम कर रहे हो, ये सुसु बॉय हमारा, सीधे सीधे तेरे को लगी ये बोलना रे भाई, इसको लगी है कितने देर, चलते गाड़ी चालू, हम गाड़ी चालू करो, चलते हैं, बस हो गया, हम गाड़ी में चच्चा डंडा लेके दौड़ रहे बोले पीछे। तो अभी जो है बहुत हंसी मजाक हो गया, आगे की तरफ में चलते, अभी और एक मैंने पहले बोलता स्टॉप नहीं होगा लेकिन हो गया, आगे की तरफ में चलते, हाथ बहुत चल रहा है सीट पर रखने की वजह से। अभी सिर्फ एक ही ब्रेक होगा और वो होगा थोड़ा सा प्राइवेट ब्रेक होगा, सुसु का, सुसु का, तो लेने लास्ट सुसु बॉय, उसके बाद में महाराष्ट्र बॉर्डर बदनाम कर रहे हो, ये सुसु बॉय हमारा, सीधे सीधे तेरे को लगी ये बोलना रे भाई, इसको लगी है कितने देर हो रहा है, 10:38, ये बंदा तो सो गया पीछे, और हम यानी बस बॉर्डर के पास पहुंच ही रहते हैं अपनी महाराष्ट्र बॉर्डर,
हमने देखा कि पहाड़ पे जो है आग लगी है, वो यानी खतरनाक आग लगी है। कैमरामैन इस पे दिख नहीं रहा बराबर क्लियर, यानी इतना भयानक सीन दिख रहा है वो, यानी कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा बराबर से, लेकिन हम यानी जो ह्यूमन आइज से जो दिख रहा है ना 502 मेगापिक्सल से, वो फोन रहो कैमरा रहो उसमें रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। बट बहुत खतरनाक आग लगी है, ये पता नहीं मैन मेड है या नेचुरली, नेचुरली तो हो नहीं सकती या किसी ने ही लगाई होगी। तो रिक्वेस्ट है कि कहीं भी जाओ तो ऐसी हरकतें मत करो फालतू की। सेव एनवायरनमेंट, सेव नेचर, जय हिंद जय भारत। तो जैसे कि लास्ट क्लिप में बोला था ये बंदा सोया है, तो ये अभी तक सोया ही है। ये हुई कुछ बात, महाराष्ट्र वाली चाय, महाराष्ट्र लग चुका है, बस बॉर्डर है आगे, बॉर्डर को लग के हम लोग चाय के लिए ब्रेक लिए, क्योंकि बॉर्डर पे टाइम पास होगा थोड़ा सा, बहुत पब्लिक है, हम थोड़ा सा अब तक इधर ही चाय वगैरह ब्रेक लेकर टाइम अपना कवर कर लेंगे अपने। चाय तो हो गई हमारी पी के, पानी बॉटल लिए, और एक बात, हाईवे पे अभी नाइट के 11 बज रहे हैं और ये मानी अकेली दुकान से चल रहे, इतनी बड़ी बहुत बड़ी दुकान है, सब कुछ है यहाँ पे, जूस वगैरह सब कुछ है, तो नानी जो है वो अकेले संभाल रहे दुकान को। कितना हुआ? 50। बंद है, कैश देके आ जा गाड़ी से, कैश दे। वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का उनका कुछ इशू था तो ऑनलाइन पेमेंट चला नहीं, तो कैश देना पड़ा। और गौर से देखिए इस इंसान को, ये सोकर उठा और फिर से सो रहा है ये बंदा। सबसे ज़्यादा अगर हमारे बीच कोई सोया होगा तो वो ये है। इधर कैमरामैन, इधर इधर। सुबह हम लोग निकले 12 बजे, खाना वगैरह खाने तक हमको बजे 2। 2 बजे जब हम लोग बाहर से निकले तब से ये बंदा पीछे की सीट पे है, फ्रंट सीट पे नहीं आया। सोने की कोशिश करता जा रहा, मोबाइल देख रहा है, फिर सो रहा है, फिर मोबाइल। बट अभी सो ही गया, हाँ 1.5 घंटा हुआ तो ये सोया ही है, उठने का नाम नहीं। और अभी उठा, इधर उधर देखा और फिर से सो गया। चलिए अभी करते बॉर्डर को क्रॉस और दिखाते हैं आपको। You don't see the things I see, I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all. वो अलग से चीटिंग है स्पेशल, और कार को उतना कुछ है नहीं। महाराष्ट्र अपना बॉर्डर जो है वो तो क्रॉस हो गई है और अपन इंटर हो गए महाराष्ट्र में। एंटर तो पहले हुए थे, नेटवर्क महाराष्ट्र का हमारा शायद से 6 या 7 बॉर्डर खत्म हुआ महाराष्ट्र में एंटर। महाराष्ट्र बॉर्डर खत्म करके महाराष्ट्र बॉर्डर में एंटर नहीं हुआ। पीछे से जो बोल रहा है ना, तो ये नींद में जो बड़बड़ करता है इस पे फोकस नहीं करने का। ये महाराष्ट्र बॉर्डर थी और महाराष्ट्र की बॉर्डर अपन ने क्रॉस करके महाराष्ट्र में एंटर हुए, बोलने का मतलब ऐसा है। ऐसा नींद में वो बोलते रहता है, उसको आदत है नींद में बात करने की। कैमरामैन पौष्टे बज गए हैं रात के 3:15।
और जैसे मैं घर में आया तो सबसे पहला काम मैंने जो किया है वो है सुकून से नहाना। पहले तो मैं नहाया हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, और उसके बाद में मैं कर रहा हूँ ये व्लॉग की लास्ट वाली क्लिप अपनी जो है शूट कर रहा हूँ मैं। और ये ट्रिप जो है इसमें बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ मैंने इन्जॉय किया। और इसके लिए हमारे जो अबू जान हैं उन्होंने मिठाई भी लाए थे कि मिठाई ला के रखे थे कि खाइए करके, तो मिठाई जैसी वैसी रखी हुई है तो मैं खा लेता हूँ। चीयर्स फॉर दिस। और हाँ, अभी जान को मैंने बताया था कि हम आज घर आने वाले, तो उसके लिए स्पेशली चिकन भी बनाया गया, हम चिकन खाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रात के 2:45 मैं कुछ खा पाऊँगा। तो बस मिलते हैं नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। और बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।